which is the largest state in the United States. हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस जानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें जो आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है उस पर चलते हैं। सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस इन्वॉल्विंग रिस्क एंड द मेजर मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका डेली बेसिस पर सेलिंग और परचेसिंग करना, उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है कि क्या पता सेल ना हो या ना किसी सामने वाला हमें पैसे ही ना दे बहुत टाइम तक। मतलब हम एक तरीके से क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, और जो हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस चलाने के पीछे वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हम इसको एक ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मैं बिज़नेस चला रही हूँ, तो अगर मैं बिज़नेस चला रही हूँ तो मेरे लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब डेली बेसिस पे रोज़ सेलिंग और परचेसिंग करूँ, सामान बेचूँ और सामान खरीदूँ। अब वो सामान जो है उस सामान को मैं कोस्ट टू कोस्ट तो बेचूँगी नहीं, उस पर मैं अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करूँगी। तो वो जो प्रॉफिट मैं ऐड करूँगी वो मेरा मोटिव है बिज़नेस को चलाने के पीछे कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। और जो मैं बिज़नेस चला रही हूँ उसमें मेरी रिस्क भी है कि हो सकता है बिज़नेस चले ही ना, हो सकता है कि मैंने जो क्रेडिट सामान बेचा है उसके मुझे पैसे कभी मिले ही ना, हो सकता है ऐसे ही बहुत सारे जो अलग अलग तरीके से वो होते हैं कि हाँ, जैसे मैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उन पर जो बिज़नेस होता है वो डिपेंड करता है। अब इस डिफाइन में से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे निकाल सकते हैं, तो इनमें से देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हमारा सेलिंग एंड परचेसिंग। हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सेलिंग एंड परचेसिंग, मतलब सामान बेचना और सामान खरीदना। सेकेंड होगा हमारा, आप इसमें देखते जाइए, इसमें आपको डिफाइन में ही मिल जाएगा कि मैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ। सबसे फर्स्ट है अपना सेलिंग एंड परचेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है रेगुलर बेसिस मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, फोर्थ है रिस्क और फिफ्थ है अर्निंग प्रॉफिट। ये जो पाँच कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस डिफाइन में ही कवर हो रहे हैं। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझते हैं तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है सेलिंग एंड परचेसिंग। सेलिंग एंड परचेसिंग, द बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल फर्नीचर मशीनरी एक्सेट्रा, ऑन द अदर हैंड इट सेल टू द कंज्यूमर होलसेलर एक्सेट्रा। जैसे बिजनेस जो होता है उसमें मेन इन्वॉल्व होता है कि सामान खरीदना, भले वो रॉ मटेरियल खरीद के हम किसी चीज़ को बनाएं या रॉ मटेरियल को ही पे ही प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचें, या फिर हम फर्नीचर खरीदें मतलब फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो कि फर्नीचर का परचेस करें बाय करें उसे, मशीनरी हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे बनाने के लिए हमारी जो मशीनरी यूज़ आ रही है वो है, इसी तरीके से जैसे सामान जो है हमें कस्टमर को सेल करना है और होलसेलर जो है उन्हें सेल करना है, तो इसमें परचेसिंग भी आ गया कि हम सामान परचेस कर रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट परचेस, मतलब जिस कॉस्ट पर हमें मिला है हम उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड कर सेल करते हैं। तो वो जो हम सेल करेंगे वो किसको कर सकते हैं, हम कस्टमर को कर सकते हैं, होलसेलर को कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मतलब हमारा सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेगुलर बेसिस, मतलब बिजनेस को कंटिन्यूस प्रोसेस में डेली चलाना। तो इसकी बारे में देखते हैं। बिजनेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैंट कांट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस।
When a business should be conducted regularly, then we grow it and earn profit. बिजनेस जो है वो एक रेगुलर प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हम रोज़ बेचते हैं, रोज़ खरीदते हैं। कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस कभी नहीं कहलाता। जब हम बिजनेस को रेगुलरली ना कंडक्ट करेंगे, तभी हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इससे अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी है और वो रोज़ सामान बेच रही है, खरीद रही है, तो उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन है राम, उसने एक दिन किसी जैसे उसके पास कोई मोबाइल था जो उसने कहीं से ख़रीदा और थोड़े टाइम यूज़ किया और फिर उसने सेकेंड हैंड मोबाइल बेच दिया, तो उसने एक बार बेचा, वो सेकेंड हैंड मोबाइल रोज़ तो नहीं बेचता है। तो ये जो उसने वो रोज़ नहीं बेचता है राम, तो वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस नहीं चल रहा है, मतलब वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अगर कोई कंपनी है जो रोज़ मोबाइल खरीदती है, रोज़ बेचती है, या रोज़ मोबाइल का प्रोडक्शन करती है, रोज़ डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल आता है, डेली बेसिस पे मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे जो कंपनी है वो सामान बेच रही है, तो हम उसे बोलेंगे बिजनेस। क्योंकि बिजनेस वो होता है जो कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर चलाया जाए। कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन या दो या तीन ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं कहलाता। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। इन बिजनेस रिस्क इज कॉल्ड एज अ वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी राइजिंग इन द बिजनेस। रिस्क क्या होता है? रिस्क एक वे है बिजनेस के अंदर जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। रिस्क के बिना बिजनेस रन करना बहुत बहुत मुश्किल है। जो रिस्क मतलब एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी, जो अचानक कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में आती है, वो भी एक तरीके से रिस्क ही है। तो रिस्क के बिना बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्क किस तरह से हो सकती है। रिस्क ये हो सकती है कि हमने बिजनेस में पैसा तो लगा दिया है लेकिन बिजनेस ग्रो ही ना करे। हो सकता है कि हम जो क्रेडिट सामान बेच रहे हैं, वो क्रेडिट सामान का जो हमने बेचा उसका हमें मनी, उसका हमें पैसा वापस कभी मिले ही ना। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिजनेस चलाने पे आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम रिस्क मान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है वो, प्रॉफिट इज़ द इंडिकेटर ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट जो है वो, अगर प्रॉफिट हमें मिलता है तो वो हमारे सक्सेस को इंडिकेट करता है कि हमें उस प्रॉफिट से पता चलता है कि हमें सक्सेस मिल रही है। जो मेन मोटिव होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, और प्रॉफिट के बिना जो हमारी बिजनेस की ग्रोथ है या बिजनेस का सर्वाइवल है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस रन कैसे करेंगे? हमारे लॉस पे तो बिजनेस रन करने से रहे। और बिजनेस का सर्वाइवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ग्रोथ होगी, सर्वाइवल रहेगा, तभी तक वो बिजनेस कहलाएगा। अगर वो बिजनेस बंद हो गया तो एक दो जो थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन्स हुए होते हैं उन्हें तो हम बिजनेस नहीं बोलते हैं ना। तो जो रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं उस बेसिस पे हम बिजनेस बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर है अलास्का। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।